गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बरसात के दिनों में जो है ये मेरे क्यारियों में ये रेड कलर की लिली जो है ये निकल आए हैं और अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल जो लगते हैं। अभी ये फूल कोई 10-15 दिन तक रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये फूल कितना सुंदर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज मैं जो है ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ पूरी। तो पूरी जो है मैं इसमें मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी, नमक, मिर्च और अजवाइन। इस तरीके से अगर आप पूरी बनाएंगे तो इसमें जो है हमें कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको जो है मैं सिंपल चाय के साथ ही लूँगी। तो फ्रेंड्स अब मेरा ब्रेकफास्ट जो है बनकर तैयार है। तो ये पूरी को जो है मैं इंजॉय करूँगी चाय के साथ। तो मैंने ले ली है पूरी और अपने लिए लिया है मैंने ब्लैक टी। तो फ्रेंड्स अभी जो है शाम का टाइम है और अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी और आलू मिक्स करके। तो अरवी की सब्ज़ी जो है मैं थोड़ा तरी वाला बनाऊँगी और इसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी। तो मैं अब करती हूँ तैयारी। तो फ्रेंड्स अब करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो मैंने ये अरबी और आलू ले लिया है। इसको मैं जो है मैंने धो लिया है। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ। बस इसको मैं ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी। इसको मैं सिर्फ 2 सीटी में ही जो ये है बॉईल हो जाएगा, नहीं तो जो अरबी है ये बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं। तो फिर इसको 2 ही सीटी काफ़ी है। तो अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक जो है आलू और अरबी बॉईल हो रहा है तब तक जो है मैं प्याज और टमाटर और एक हरी मिर्च लिया है मैंने, इन सबको मैं काट लेती हूँ। तो प्याज मैंने लिया है 3 छोटे छोटे और एक टमाटर और एक हरी मिर्च। तो इनको मैं बारीक काट लेती हूँ। तो अरबी और आलू को जो है मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और प्याज और टमाटर जो है इसको मैंने काट लिया हुआ है। तो अब जल्दी जल्दी से सब्जी बनाते हैं और मुझे गूंदना है आटा। आटा गूंद देती हूँ, रोटी जो है फिर वो मैं बाद में ही बनाऊँगी 8 बजे के करीब। तो अभी पहले मैं जो है सब्जी बना के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सब्जी बनाने के लिए लिया है सरसों का तेल और इसमें मैंने मेथी का तड़का दिया है। तो ये प्याज जो है मैंने गोल्डन होने तक भून लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच हींग भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन मसालों को जो है मैं प्याज और टमाटर को जो है अच्छे से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये इसके बाद मैंने जो है इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्दी और मिर्च डाल दिया है और वो जो मसाला वगैरह जो है मेरा वो भुन गया है अच्छे से। और ये आलू और अरबी भी जो है ये बॉईल हो गया है। अब अरबी को जो है मैं ग्रेवी में डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा तरी वाला मैं सब्जी बनाऊँगी।
तो अरबी और आलू को जो है मैं मसालों में मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं 5-10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। तो फ्रेंड्स अब ये सब्जी जो है मेरा हो जाएगा बनकर तैयार। तो सब्जी को जो है मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, तो उतनी देर में जो है मैं आटा गूंद कर रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमारा हो गया है डिनर तैयार, अरबी और आलू की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स ये सब्जी बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप लोग भी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारा डिनर वगैरह हो गया और अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ मैं। तो बस अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके अभी मेरा थोड़ा सफाई का किचन का जो है सफाई का काम रहता है, तो मैं किचन वगैरह जो है शाम को रात को जो है मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठकर जो है किचन एकदम से साफ़ सुथरा देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं जो हूँ अभी जो मैं किचन वगैरह सभी साफ कर लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।